क्लास 9 का मैथ का हम रेशनलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो करना है वो सब में आपको नंबर 9 को रिप्रेजेंट करना है, रेशनल रेशनल के बारे में पढ़ना है और नेचुरल नंबर सब मतलब नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब अभी छोड़ रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पर हम फिर से इसको बना देंगे वीडियो। और अभी हम रेशनलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। रेशनलाइजेशन देखो, सबसे पहली बात कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता क्या है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी इरेशनल नंबर के इरेशनल डिनोमिनेटर को एक सूटेबल नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके उस इरेशनल नंबर के इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए कि 2/√3 है, तो 2/√3 आपको क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, इरेशनल है। तो इसके इरेशनल डिनोमिनेटर को एक सूटेबल नंबर से, और ऐसे मान लो कि इसको हम क्या करते हैं, 2/√3 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2√3 या नीचे कितना हो जाएगा, √9 मतलब 3 आ जाएगा। तो 2√3/3, तो यह डिनोमिनेटर कैसा हो गया, रेशनल हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या हो गया, इसका रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक। इसका क्या हो गया, रेशनलाइजेशन। तो यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी इरेशनल नंबर के इरेशनल डिनोमिनेटर को एक सूटेबल नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके उसके इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करने का, बस समझ में आई है। अब इसमें होता है एक रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर का शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RA, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है वह कोई नंबर हमारा है इरेशनल, इरेशनल नंबर को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वह रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, तो वह एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5√3 है, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा अपने मन से, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम छोटा सा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 5√9 मतलब 5 × 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। तो ये पहले से था कोची इरेशनल, ये भी था इरेशनल, तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट हमारा क्या रहा है, रेशनल आ रहा है। तो यह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। यह दूसरे क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब हम लोग इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर ही किसका किस रूप में रेशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा उसको लिखने का तरीका सीखते हैं। देखिए ये सब नोट कर लीजिएगा अपना अपने स्तर से आप लोग। जैसे कि कोई हमारा इरेशनल नंबर इस रूप में रहेगा, इरेशनल नंबर फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर कहेंगे उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि पहला टाइप इस रूप में रह सकता है, जैसे √1 रूप में शिफ्ट रहे तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √a ही होगा। दूसरा, अगर √b के फॉर्म में रहे आपको इरेशनल नंबर तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ √b होगा। तीसरी बात, अगर आपको a+√b के फॉर्म में रहे, a+√b के आगे कुछ रहे जैसे 2+√3 इंक्लूस में रहे तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a-√b। अगर यहाँ प्लस बनाएगा तो यहाँ माइनस बना है, माइनस बनाएगा तो प्लस साइन का उपयोग करना है, मतलब एक तरफ से क्या करना है, गुना करना है। चौथी बात, अगर आपको ऐसा रहे a प्लस मान लो कि यहाँ पर आगे लग रहा है ऐसा पर ऐसे रूप में है जैसे कि 3+√5 इस रूप में रहेगा तब उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा आपको a-b√c। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस साइन का उपयोग करना है, ठीक। पांचवा,
अगर आपको इस रूप में रहे रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में रहे तो इस प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होगा रूट ए माइनस रूट बी, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहता प्लस साइन का उपयोग करना है। छठी बात, अगर ए रूट बी प्लस माइनस बी रूट सी के फॉर्म में हो तब उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ए रूट बी माइनस प्लस बी रूट सी होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किस रूप में है तो क्या लिखें हम, क्या उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लिखें, बात समझ रहे हैं। तो इसको क्या करना है, फिर से नोट कर लेना है। अब इस पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, हम लोग बनाते हैं दो क्वेश्चन तब हम लोग को समझ में आएगा। तो किताब में से क्वेश्चन जो है उसी को बना देते हैं ताकि आप लोग को कुछ कम बनाना भी पड़े। और किताब ही आगे बढ़े है ना, तो इसलिए किताब में से कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं। जैसे देखिए आप निकालिएगा बुक अपना, उसमें एक्सरसाइज वन एफ, एक्सरसाइज वन एफ का पहला क्वेश्चन है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इन द 1/√2 + √3। इसका हो जाएगा √2 - √3। दूसरा क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें प्रत्येक का क्या करना है, रेशनलाइज करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसमें दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज हम बनाने जा रहे हैं बाबू 1f का क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक, 1 + √2 है, नीचे है 2 - √2, कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितना भी इसमें दिया हुआ है सब का क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो देखो इसको बनाते हैं, सबसे पहले बताइए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 - √2 है, 2 - √2 का क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, तभी बताए थे a प्लस रूट बी के रूप में रहे तो a माइनस रूट बी, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, क्या माइनस करना है, इस पर रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 + √2। अब इससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तब चलते हैं 1 + √2, नीचे 2 - √2 है बराबर का साइन देंगे, 1 + √2, नीचे 2 - √2, और जो रेशनलाइजिंग फैक्टर उससे गुणा कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए अब यहाँ अलग अलग, इससे भी दोनों में गुणा होगा, इससे भी दोनों गुणा होगा, तब पहले 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2, फिर 1 से गुणा करेंगे √2 में तो √2 है, फिर √2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2√2, फिर √2 से √2 में तो √2 का स्क्वायर ना, यानी 2 यानी कि स्क्वायर से √2 कट ही जाएगा, और नीचे a प्लस b माइनस b के रूप में है, a प्लस b माइनस b के रूप में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 = 4, आई 2√2 है, इधर पर 1√2 है, तो जो कितना हो जाएगा 3√2, नीचे 2 के स्क्वायर तो 4, और 2 के स्क्वायर तो 2, तो 4 + 3√2 नीचे कितना बचेगा 2, और कुछ नहीं कर सकते हैं, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हो गया रेशनलाइजेशन हो गया इसका। ठीक, इसी प्रकार से आप दूसरा का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा में है इट इज बीइंग गिवन दैट √2, √3, √5, √10 का मान दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक का क्या करना है, मान निकालना है, तो डेसिमल में 3 स्थान तक। तो सबसे पहली बात इसमें करेंगे क्या हम लोग, कि जो हमारा दिया हुआ है उसका अपन रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, रेशनलाइज कर लेंगे, और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। जैसे कि देखिए दूसरा में दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा बता देते हैं, 2 - √3 नीचे है √3, तब से पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 इज ना √3, है ना। तो अब चलते हैं 2 - √3 / √3 बराबर 2 - √3 √3 गुना करेंगे ऊपर नीचे √3 से, तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3 से गुना करेंगे, सॉरी 2√3 हो जाएगा, और फिर इसमें गुना करो √3 √3 तो -√9, तो 3 ना उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 3। तो यह इसको हमको कह रहा है मानिक फैक्टर। अब हमको कह रहा है कि मान निकालिए, तो मान रखते हैं इसको 2, और √3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.732 माइनस 3 नीचे 3, तब चलिए गुना कर देते हैं, 2 × 4 3 × 6 7 × 14 3 3
माइनस तीन और नीचे हो जाएगा हमारा कितना थ्री। अब घटा दो तो तीन घट ही रहेगा तो तीन दशमलव चार जीरो पॉइंट फोर सिक्स फोर और नीचे हो जाएगा थ्री। अब थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री से डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट फोर सिक्स फोर में तो हमारा हो जाएगा जीरो पॉइंट एक बार मिलेगा ना तीन एक छः पच्चीस पंद्रह पचेगा एक चार और फिर हो जाएगा छत्तीस तो हमारा जीरो पॉइंट वन फाइव फोर आंसर हो गया। बस मिल जाएगा यह सोलह सत्तर काम कर दो दो यहाँ जीरो जीरो क्षेत्रीय अठारह हो जाएगा तो पाँच यहाँ पर देना लगभग चालीस हो सकता है ऐसे कोई बात नहीं। चलिए यह हो गया हमारा इसका पहला निकल गया तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसमें आगे बनाएंगे चौथा में भी इसी प्रकार के हैं। चौथा में आप बनाइएगा चौथा का भी एक हम लोग हम बता देते हैं उसके बाद आप बनाइएगा घर पर जाके है ना। तो यहाँ पर देखो चार नंबर क्वेश्चन देखा है उसमें है ए बी का मान निकालने के लिए फाइंड द रेशनल नंबर्स ए बी ए और बी के रेशनल नंबर्स का निकालना है क्या है वह एक्चुअली में। तो इसका पहले बता देते हैं रूट टू माइनस वन नीचे है रूट टू प्लस वन बराबर ए प्लस बी रूट क्या है टू है। इसमें क्या करना है सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको इससे कंपेयर करना है और उसके बाद ए और बी का क्या करना है मान निकालना है। देखिए हमारा सबसे पहले बताओ कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट टू प्लस वन क्या है रूट टू माइनस वन होगा नहीं। तो यहाँ से देखिए अब चलते हैं रूट टू माइनस वन और नीचे टू प्लस वन बराबर रूट टू माइनस वन नीचे रूट टू प्लस वन गुना कर देंगे रूट टू माइनस वन नीचे रूट टू माइनस वन से ऊपर सेम चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब दो बार गुना करोगे स्क्वायर रूप में तो रूट टू के स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट टू इंटू वन होगा और नीचे ए प्लस बी माइनस बी पर रूट टू के स्क्वायर वन के स्क्वायर तो हो जाएगा टू ए टू रूट टू नीचे हो जाएगा टू ए तो तीन माइनस टू रूट टू बटा में वन मतलब थ्री माइनस टू रूट टू। तो अब इसलिए यह वैल्यू इसी के बराबर है ना तो यह दोनों कंपेयर कर लेंगे इसीलिए हम कह सकते हैं कि थ्री माइनस टू रूट टू बराबर है ए प्लस बी रूट टू के। अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स ठीक तो हमारा ए की जगह क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा एंड बी के देखो रूट टू से रूट टू कैसे तो बी को कितना चाहिए माइनस टू यदि क्या हो जाएगा बात समझ रहे हो। तो इस तरह से आप इसे बनाइएगा और बना करके कल आप कम से कम सिक्स नंबर क्वेश्चन तक बनाना है। एच डब्ल्यू में आपको रहेगा एच डब्ल्यू ऑफ एक्सरसाइज वन ए फ्रॉम वन टू सिक्स बनाना ठीक। तो आज का वीडियो समाप्त होता है कल हम लोग मिलेंगे कल लंबा लेक्चर चलेगा क्योंकि आज पहला दिन था तो आज कल तो पढ़ाए हैं और इसको बनाना है इस तरह से समझा दिए। कल क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो हमारे मेरे व्हाट्सएप पर क्या करना है सेंड कर देना है और कल उस सब क्वेश्चन को चर्चा करेंगे उसके बाद फिर नया कुछ पढ़ाएंगे तो कल वीडियो लंबा बनेगा ठीक। आज इतना अपना वीडियो रोक रोक के समझने का प्रयास करना है और न समझ में आए तो फिर अपना पूछना है।